आप कूलर खरीदने आए तो आपको कौन से कूलर पसंद आए? ये बने हुए कूलर ज़्यादा चलते हैं। कौन से? ये जो बना के देते हैं ना स्टील वाले कूलर, ये ज़्यादा चलते हैं। हाँ, ये वनस्पत प्लास्टिक के जो कूलर आते हैं उससे। उससे तो आपको कहाँ तक कूलर चाहिए था? अभी तो सबकी कीमत बढ़ी गई है, पहले 2500 रुपये में आ जाते थे, आजकल कोई भी 3000 से नीचे नहीं मिल रहा है। दुकान जली थी जी, तो नुकसान अच्छा खासा हुआ था, लेकिन अभी धंधा हो शुरू हुआ है कि नहीं आप लोगों का? नहीं, दुकान जली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी खड़े किया है और अभी शुरुआत होंगी। अभी तो कोई अभी धंधे पे कोई मतलब जोर शोर नहीं है, लेकिन अब अल्लाह से उम्मीद है कि हो जाएगा धंधा। और मेरा नहीं सबका होगा, अभी सब मार्केट ठंडा है और महंगाई के हिसाब से लोग भी कम आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है क्या हो जाए। कूलर की कीमत कहाँ से शुरू है और कहाँ? कीमत एक 1800 से लेके 4000 तक है। 4000 छोटा 1800 में, 4000 में, 3500 में भी है, लेकिन अभी गिराकी कम है और धूप तो ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अभी गिराकी का वो नहीं है। बस तो उम्मीद है कि बस हो जाए धंधा और सबका हो जाए। मार्केट में सब लोग बैठे हैं, सब इसी आस पर बैठे हैं। नाव जितेंद्र पाटिल, ह्या उन्हाळ्यामध्ये फोन वा टापू लागलं, पण कस्टमर अजून काही मार्केटमध्ये येताना दिसत नाही, आणि आले पण तर एवढा भाव करू लागले। पण होलसेल रेट जे असेल आम्हाला जेवढ्या देतात तेवढ्यापैकी पण पैसे द्यायला तयार नाही आहे कस्टमर अजूनही। आणि यावेळेस आता मार्च एंड चालू असल्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा नाही आहे, आणि ही आम्ही समजू शकतो। आणि जे हे मंदी आहे, ही मंदी कायम जाणवू लागली, आणि असं वाटतं की मागच्या वेळेस जो पाऊस नाही पडला तर त्याचा फटका यावर्षी एखाद्या कूलर मार्केटला बसू शकतो। ये साल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, GST के असर से ये साल धंधे में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। 30% भी अभी धंधा नहीं चल रहा, और महंगा कूलर होने की वजह से आम पब्लिक के ऊपर इतना बड़ा बोझ बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं। हर कूलर के पीछे 300-400 रुपये प्लस है इस साल। और दूसरी मेन बात, पानी नहीं है तो पब्लिक इसके लिए खरीदना मुश्किल समझ रही है। और GST के कारण जहाँ 28% था तो वहाँ मोदी राज के अंदर 18% पे आया। 18% से आज जो भी सामान लेने को जा रहे हैं तो 18% के से नीचे नहीं आ रहा, 18% से नीचे नहीं आ रहा सामान। अब पूरा पक्के में लेना पड़ा, और उसके बावजूद भी धंधे की
ऐसी हालत है जिसकी कोई हद नहीं। धंधा अभी कम है, धंधा नहीं, 1 तारीख के बाद इंशाल्लाह उठेगा। तो कूलरों का आपका सीजन थोड़ा सा बहुत डल है, अभी डल है, तेजी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। मतलब पानी का असर हुआ? पानी का असर बहुत हो रहा, लोग पानी की वजह से आगे पीछे हो रहे, पानी ज़्यादा लगता कूलर को। अभी लोगों के पास पीने को पानी नहीं है तो कूलर में कहाँ से डाली। अभी बहुत सी जगह टैंकरों से पानी ले रहे लोग, तो कूलर में हार जा रहा, थोड़ा लोग आगे पीछे हो रहे कूलर लेने। अभी कूलर के रेट जो है तो 1300 रुपये से तो 2600 रुपये तक। 2600 ना? हाँ, 2 फीट है, 2.5 फीट है, 3 फीट है। बड़े कूलर 4 फीट का आएगा 4500 रुपये। अभी सस्ता है कूलर। आपका धंधा कैसा चल रहा है कूलर? धंधा तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, अभी धूप वैसे पड़ नहीं रही धंधे की जैसी, अभी ठंडी हवा जो चल रही है उसकी धंधे पे फर्क है। ग्राहक नहीं आ रहे? ग्राहक अभी एक के दो के आ रहे हैं, भाव पूछ के जा रहे हैं। क्या रेट है कूलर का? कूलर इस बार थोड़ा महंगा रहेगा, GST लगने की वजह से बहुत महंगा चल रहा है कूलर का रेट अभी, लेकिन कस्टमर ही नहीं है, सस्ते में देना पड़ रहा है।